Hello, assalamu alaikum guys. Hi, this is me Asif Malik Riaz and thank you so much for being part of this live session. मुझे नहीं पता अभी कितने लोग देख रहे हैं क्योंकि मैं इधर आके बैठ गया हूँ. तो मम्मी तुमने जो बताते रहे ना, ठीक है ना, एंड आई हैव ट्राइड कि मैं यहाँ पे भी आप लोगों को देखते रहूँ और जो कॉमेंट्स आप लोगों के आ रहे होंगे वो हम साथ साथ रीड कर रहे होंगे. थैंक यू सो मच टू एलीट वोग एंड स्पेशली सबसे ज़्यादा थैंक्स जो है वो फातिमा फैसल का कि यू नो शी हैज अरेंज्ड ऑल दिस. तो बहुत शुक्रिया फातिमा. मेरी आवाज़ अगर आप तक क्लियर आ रही है तो मुझे बताइएगा क्योंकि काफ़ी दूर है मोबाइल, बट आई थिंक कि लाइव सेशंस की आवाज़ यहाँ से ठीक जाती है जितना भी हमने इसको ट्राई किया है. सो वी आर सो कैजुअल हियर, यू गाइस कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल माई नेम इज ऑफ कोर्स आसिफ मलिक रियाज. आई डोंट नो कि आप लोग में से कितने लोग मुझे जानते हैं लेकिन 103 से मेरा ताल्लुक है. इसके अलावा अब तक न्यूज़, अपना एंटरटेनमेंट पे आप मेरा शो देखते हैं और रमज़ान ट्रांसमिशंस वगैरह. इसी के साथ साथ कुछ कमर्शियल्स, वॉइस ओवर्स, डबिंग्स से ताल्लुक है, कुछ एक्टिंग की है थोड़ी बहुत. एक तो रियल लाइफ में एक्टिंग चल रही होती है हमारी, एक ड्रामास की एक्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ. और इसके अलावा कॉन्सर्ट्स, अक्सर कॉन्सर्ट्स अगर आपको शौक है कॉन्सर्ट्स पर जाने का सिंगर्स के, तो वहाँ शायद आपने मुझे देखा हो. और कॉन्सर्ट्स में भी मेरी इच्छा हो सकता है कि आपसे मुलाकात रही हो. यहाँ पे मेरे ख्याल में ओके यार, ये वाला ट्राई करते हैं आज. याद है ये वाला एम्पलीफायर? सो ये बात है जी. इसके अलावा दो चार बातें मोटिवेशनल भी बोल देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह सुन ही लेते हैं हमारी, वरना अक्सर आजकल मोटिवेशनल टॉक्स सुनते नहीं है लोग ज़्यादा क्योंकि घर पे भी मिल रही होती हैं, बाहर भी वही सुनने को मिलते तो मज़ा नहीं आता. सो एनीवेज, वी गोना यू नो टॉक विद यू गाइज. मुझे यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि आपके कमेंट्स में देख पा रहा हूँ या नहीं, तो ताकि फिर मैं आपसे बात कर सकूँ. सो यहाँ पे आई थिंक यस, कमेंट्स मेरे ख्याल में मुझे आ रहे हैं. राबिया काजमी, हाय राबिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वो कह रही हैं स्वीट, वेल स्पोकन. इसने मुझे अभी चीखते चिल्लाते भी नहीं देखा अभी तक. सो हाय शाजिया, शाजिया जमान, हाउ आर यू डूइंग शाजिया? आई होप दैट यू आर डूइंग गुड. और फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दीज क्यूट क्यूट वर्ड्स. और मुझे उडारियाँ सुना दें राबिया. राबिया मैं अभी सुनाता हूँ बिकॉज पीपल आर वेटिंग. एक्चुअली आई एम लाइव. ये मैंने दो तीन गाने लगा के सोचा कि पहले मैं आपसे हाय हेलो कर लूँ क्योंकि मुझे अभी भी साथ साथ शो कंटिन्यू करना है. और मैंने एक लिंक भी शेयर किया है ग्रुप के अंदर, इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन मी लाइव, क्योंकि लाइव एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है. अगर आप लाइव सुनना चाहें तो आपको थोड़ा सा उसको ट्यून करना पड़ेगा. यहाँ पे सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो और वो भी काफ़ी दूर से आ रही है, तो बट आई थिंक ऑडिबल होगा आपको. सो हाय सैम एक्वेरियन. अच्छा ना, ये आइडियाज़ बड़ी मज़े की लगती है मुझे ना, जिन्होंने अपने साथ साथ ना स्टार भी लिख के लगाया हुआ होता है. बंदा बोले भाई घर का पता भी लगा. सो आई रिमेंबर माई कॉलेज डेज जब हम आइडियाज़ बनाया करते थे, यू नो दिस कैंसर एंड दिस लव एंड दिस पाकी पाकी पाकी. बट थैंक यू सो मच सैम, इट्स गुड टू सी यू. और अच्छा लग रहा है. शाजिया आपका बहुत शुक्रिया. शाजिया जहीम आपका पूरा नाम है? सॉरी, इट्स शाजिया, इट्स शाजिया. अच्छा जी,
खुशबू अहमद, खुशबू आपके आती है ना, खुशबू खुशबू आ गई है। तो कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं ना अच्छा मसला ये है कि लड़कियों का ग्रुप है तो बड़े ना रुक संभल संभल के मुझे बोलना पड़ेगा लेकिन खैर, बट बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, ठीक है। तो वैसे मैंने सुना है कि दो चार और लड़के हैं इधर, पर वो क्लास में होता था ना, क्लास में नॉर्मली जब हम कॉलेज में होते थे, जब हम स्कूल में होते थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि कुछ ऐसे सेशंस होते थे जिसमें सिर्फ चारों तरफ लड़कियां होती थी, टीचर भी खातून, और बीच में मुझ जैसा कोई एक मासूम शरीफ सा यू नो लड़का बैठ जाया करता था। तो बड़ा ही एक ऑकवर्ड सा वो एक लगता था मुझे उस वक्त। उसके बाद पता ही नहीं था, सोचे नहीं था, पता नहीं कब मीडिया में आ जाएंगे, कब यही सब चलता रहेगा, बट आज ना वही वाली फीलिंग मुझे दोबारा आ रही है। वो जो एक स्कूल लाइफ में मुझे फीलिंग आया करती थी कि यार क्लास में बैठ के इधर उधर सारी लड़कियां, यू नो बड़ा अजीब अजीब फील रहा होता था, बंदा नहीं दूल्हा नहीं बैठा होता, इधर तो सालियां आके बैठेगी, उधर सारे आके बैठेगा खानदान वाले, पता ही नहीं है कौन कौन सी आंटियां आ रही होती दूल्हे के पास, तो आंटियों का दिल नहीं चल रहा होता, दूल्हे को भी कोई नई लड़की दिखाते जो कोई नया रिश्ता लाई हूँ तुम्हारे लिए। तो इसी तरह की सिचुएशन खवातीन में अक्सर मर्द महसूस करते हैं, बट आई होप कि मैं जल्दी कंफर्टेबल हो जाऊंगा यहाँ पे। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑफ कोर्स योर कमेंट्स। मैं भी रीड कर रहा हूँ साथ साथ, और पापा की परी भी आईडी होती है। हाँ पापा की परी, सही कह रही है, पापा की परी आईडी होती थी। सना फैसल, हाय सना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, आई होप दैट यू डूइंग गुड। और लो यार ये फिर हुमायूं सईद बोल दिया यार किसी ने यार यार हम नहीं खेल रहे भाई, हम नहीं खेल रहे, बस हम नहीं खेल रहे। मेहर इरफा, यू नो व्हेन आई वाज हुमायूं सईद तो अंकल हो गए, व्हेन आई वाज इन आई थिंक फर्स्ट ईयर, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तब से मुझे स्टूडेंट्स और टीचर्स और मेरी फुफो ने सबसे पहले हुमायूं सईद कहना शुरू किया था। देन आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू बी हुमायूं सईद, ट्रस्ट मी ऑन दैट, पर मुझे लगता है मैं फेल हो गया हूँ। छोड़ो यार, बस दिल टूट गया मेरा। अच्छा जी, सोनिया कह रही है कि हमने ईयर ऑफ बर्थ ही लिख डाला था, है ना? बस मैंने तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, कुछ लोग ना अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम भी डाल देते थे साथ अच्छा ये तो आजकल कॉमन हुआ है ना, ये जो आप सेलिब्रिटीज अपने नाम जोड़ते हैं, ये तो आजकल कॉमन हुआ है, हमारे दौर में 90s वाले बच्चे जानते होंगे, हमने ये बहुत पहले करके रख लिया था। उस वक्त भी जो है ना, जो आईडीज बनाया करती थी नई नई याहू की, हॉटमेल की, सो उसके अंदर दो नाम अपने, दो नाम उसके, दो नाम अगर उसके दो रिलेशन चल रहे हैं तो दूसरी तीसरी का भी बीच में मिला, तो इस तरह करके आईडीज बनाते थे। खैर एक अलग टॉपिक है, उस पर हम या सो सना सारा फैसल, आई एम वेरी सॉरी सारा, आपका नाम सारा है, मुझे लगा कि सना है, सना फैसल इज अ गुड फ्रेंड, तो मुझे लगा शायद वही ना हो, तो अक्सर लड़कियों के नाम पड़ के ना कन्फ्यूजन भी हो जाती है थोड़ी सी, बट एनीवेज थैंक यू सो मच। और शोभी भाई का आपने नाम लिया, मुझे कभी इतफाक नहीं हुआ उनके साथ ज़्यादा बैठने का, बट ऑफकोर्स इज अ लेजेंड और बहुत सीनियर आरजे, हम तो जी सीख रहे हैं बस अभी। अच्छा जी, मैं इरफा कह रही है कि हुमायूं सईद इज नाइस, हाँ जी हुमायूं सईद के अपने भाई उसमें इतने नहीं मिलते जितना मैं मिलता हूँ, तो यू कैन कॉल मी अ यंगर हुमायूं सईद, आई डोंट नो, बट या दिस इज व्हाट इट इज, सो आई हैव नो आइडिया। ओके, और शाजिया कह रही, मेरा शाजिया कि मेरा ड्रीम था आरजे बनूं, मेरे ख्याल में लेकिन आप दुल्हन बन गई होंगी अक्सर लड़कियों के ना बहुत सारे ड्रीम होते हैं, मैं ये करूँ, मैं, लेकिन वो दुल्हन बन जाती हैं, और जो गाइज होते हैं उनके बहुत सारे ड्रीम होते हैं कि मुझे वो मिल जाए, वो मिल जाए, और चले मैं आगे नहीं कहता एंड बन के साथ क्या होता है, अब बुरा ही ना मान जाए। राबिया कह रही है कभी फातिमा को भी सुने लाइव पे, हाँ क्या बोलती है फातिमा को, मैंने सुना है जी, कॉल पे सुना है, और फातिमा हमेशा जब भी कॉल करती है तो जब बंदा सो रहा होता है उसको तभी कॉल करनी होती है फातिमा, और आगे से ना एक तो उसको पता है कि बंदे को जगा दिया, और बार बार बोलती रही कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, आप सो तो नहीं रहे थे, अरे भाई आप कर ली कॉल तो मैं आपको दोबारा करूं, दोबारा का मतलब है कि जब दोबारा सो रहे होंगे तो मैं दोबारा डिस्टर्ब कर दूंगी, मैं कहता हूं नहीं आप अभी कर लें बात, बट शी इज वेरी स्वीट फातिमा, यू आर वेरी 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 स्वीट, थैंक यू सो मच, और आई मीन दिस इज अमेजिंग एक्चुअली the way you have introduced, and you know this is for me, this is first time. I keep on doing these live sessions on my YouTube and my Facebook and my Instagram, but I have done this for the first time actually. The comments मुझे 3-4 नजर आते हैं यहाँ पे, फातिमा कह रही बहुत बुरे हैं आप तो फातिमा मैं बताऊँ फिर आप कितनी अच्छी हैं, बट स्टिल सारा कह रही यार आवाज़ अच्छी है, बट हुमायूं सईद लगे या आवाज़ में लगे या नहीं, बट आवाज़ में दम है आपकी।
अभी तो जी काफी दूर से आप सुन रही हैं, आप थोड़ा रेडियो ट्यून कर लें तो आपको असली दम भी नजर आ जाएगा। और क्या कहते हैं उसे, लगा दम मिटा गम भुला गम। अबे यार छोड़ दो, चलो। ऑलराइट, कमर इलियास कह रहे हैं वर्क्ड विद 103। कमर कहाँ कहाँ, कमर इलियास, ये कमर इलियास मतलब ही है शी है, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। मोमी कमर, अच्छा। सो आप मुझे बताइएगा आपने कहाँ किस सिटी में 103 के साथ काम किया है। तो बस अब मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं नहीं बोलता, ठीक है, बात कहीं और ही ना पहुंच जाए। तो या सो सारा कह रही है, आई एम गोना फॉलो यू ऑन इंस्टा, शेयर योर लिंक। बिल्कुल जी, मैं लिंक शेयर करूंगा आपके साथ, आप टेंशन ना लें। और आप सर्च करें इंस्टाग्राम पे जाके @AsifMalikRiyaz, @AsifMalikRiyaz, बस सीधा सीधा नाम है, A to Z सब लिख दें, उसी में मेरा नाम पूरा हो जाता है। बट यस, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी एक लाइव सेशन करूंगा, माई फैंस आर वेटिंग। बट क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर लिया आप लोगों के साथ आज रात की, तो आई थॉट कि पहले आपसे बात हो जाए। मैंने उधर गाने प्ले किए, मैं वो गाने का प्ले किए, वो एक एक ही गाना बार बार प्ले हो रहा है वो। ओके, सो यार मेरे ख्याल में मुझे थोड़ा सा लाइव भी जाना है, तो आप लोग भी साथ सुन सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ लाइव जाना होगा ताकि लोग सो ही ना जाए। राइट, ऑलराइट, सो कराची लॉर्ड फैसलाबाद मुल्तान, बिल्कुल जी, नाचीज खाकसार आपकी खिदमत में एक दफा फिर हाजिर। और यहाँ पे यस, आई एम गोइंग टू गो लाइव ऑन इंस्टाग्राम थोड़ी सी देर के अंदर। अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अब क्या करूंगा, फिर आगे इन्विटेशन दूंगा भाई, फॉलो कर लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे @AsifMalikRiyaz और वहां पे जाके आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो थोड़ी सी देर के अंदर, मींस मे बी इन 10 मिनट्स, मे बी इन 12 मिनट्स, आई एम गोइंग टू गो देयर ऑन इंस्टाग्राम एंड वी विल हैव अ लाइव सेशन। और यूट्यूब के ऊपर भी हमने कल लाइव सेशन किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। फेसबुक वाले को तो भाई बहुत ही व्यूज आ गए, तुम तो खुद बाद में देख रहे थे, हमारा ही सेशन है जिसमें इतने व्यूज आ गए। बट यस, आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच। सो वी हैव कपल ऑफ यू नो ग्रुप फेलोज विद मी एज वेल, शाजिया, जईम, किरण, वालेकुम अस्सलाम, राबिया काजमी, फातिमा फैसल, बहुत अच्छी डिजाइनर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सोनिया बाबर कह रही हैं कि मलिक रियाज नाम ही काफी है। मैं अक्सर अपने फैन से कहता हूँ, और ये रेडियो पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो मैं अक्सर बताता हूँ कि ना दो सवाल मुझसे बहुत ज्यादा होते हैं। एक टॉपिक भी हमने रखा था कि वो कौन से दो ऐसे इरिटेटिंग क्वेश्चन है जो आपसे बहुत ज्यादा लोग करते हो ना, अब तंग आ चुके हैं उसका जवाब दे देकर। तो मुझसे एक सवाल जो पहला होता है वो ये होता है कि क्या मलिक रियाज आपके वालिद हैं, और मैं उनको कहता हूँ, मैंने कहा हाँ वालिद हैं, लेकिन वो वाले नहीं है, दूसरे वाले हैं। तो और दूसरा जो सवाल होता है कि चलो वो तो मैं सबको बता चुका हूँ कि आप लोगों को क्या बताऊँ, वो तो सवाल बताते हुए मुझे बार बार शर्म आती है यार कि पीपल आस्क मी दिस। Alright, so, निम्रा कह रही, heard you after long time, क्या हाल है निम्रा, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं, कहाँ थी आप, मतलब भूल गई आप मुझे, हैं यकीनन को रिलेशन, जैसे कि बंदा सिंगल से डबल होता है ना, मतलब हमारे यहाँ मतलब यही होता है कि जो नाइट शोज वाले लोग होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा सफर तब करते हैं जब लोगों के रिलेशन सही चल रहे होते हैं। मैं कहता हूँ ब्रेकअप कराओ, ठीक है, मेरे शो की पॉलिसी ये है कि भाई ब्रेकअप कराओ, जो सीधी बात है, और जितने ब्रेकअप करवा सकते हो उतने ब्रेकअप करो, क्योंकि लिसनरशिप बढ़ती है भाई। देखें, हमें सोचना है अपने शो का, अपने मुस्तकबिल का, ठीक है, आप अपने मुस्तकबिल का सोचें। हमें अपने मुस्तकबिल का सोचना है, तो आई प्रोमोट ब्रेकअप्स एक्चुअली, यू नो, सो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे बड़े ब्रेकअप हुए हैं, ठीक है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि यस, आई डू प्रोमोट दिस थिंग। सो या ओके, सो मैं इरफा कह रही हूँ कि आई वॉज टेंस्ड, बट वेन आई सी दिस रेडियो एटमोसफियर फेल्ट वेरी नाइस। अच्छा, मैं जो हूँ शो बड़ी लाइट्स ऑफ करके करता हूँ, ये लाइट्स मैंने ऑन की हुई हैं जस्ट बिकॉज के मुझे वीडियो सेशन करना है अभी, इस वजह से, वरना मेरी लाइट्स रूम की ऑफ होती हैं, पैनल की लाइट्स जल रही होती हैं, LEDs जल रही होती हैं, एंड आई एम सॉर्ट ऑफ दिस डार्कनेस लवर पर्सन, यू नो, शर्ट भी काली पहनी हुई है, सो या आई लाइक दिस ब्लैक सॉर्ट ऑफ थिंग, सो मेरे शो में ज़्यादातर चीज़ें यही चल रही होती हैं। बट या निम्रा करी, मैट्रिक में थी, सुनती थी, अब यूनि में आ गई हूँ। मैं मुझे पता होता ना आपने आगे जाके फ्यूचर में ये करना, मैं उसी वक्त बदवा देता था कि आप मैट्रिक पास ही ना करो। अगर फ्यूचर में जाके क्या कहते हैं उसे, बेवफा होना था आपने निमरा, तो खैर। ऑलराइट, सो कमर साहब हमारे साथ हैं, कह रहे जी कि मैंने शर्फ कैसर और साहिर लोधी के साथ आई हैव बीन पार्ट ऑफ 103। बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं जी, हमसे पहले की बात बता रहे हैं, ये बड़े पुराने वक्तों की बात है। सो या हाँ, जब हम शायद हाँ हम जो है ना उस वक्त अभी मैट्रिक भी नहीं किया होगा हमने, ये तब की बात बता रहे हैं कमर भाई।
ये कमर भाई है ना, मैं जरा हाँ मेरे कमर भाई होंगे, ठीक है, कमर कमर बहन तो नहीं हो सकती, हो सकती है, चले खैर सानू की। अच्छा जी, महविश अयाज बहुत शुक्रिया, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। बट यस यू नो शाजियां कह रही हैं कि भाई सेम मेरा भी यही काम है, ब्रेकअप। भाई ब्रेकअप मैं कहता हूँ, ब्रेकअप सीन इतना कोई जबरदस्त है, देखें कल को आपको लोग दुआ देंगे, यकीन करें, आज वो नहीं समझ रहे लेकिन कल को जब अकल आएगी ना तो यकीन करें आपको दुआ देंगे। और मैंने अल्लाह का भरा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, जितना मैं हिट हो रहा हूँ, पॉपुलर हो रहा हूँ, अल्लाह जो मुझे अल्लाह इज्जत दे रहा है वो इसी वजह से दे रहा है कि मैंने बड़े लोगों का भला किया ब्रेकअप करा के, जो सीधी बात है मैंने बहुत लोगों का भला किया। सो अब लोग माने ना माने बट ये बात है। अच्छा जी, मुझे कुछ मैसेजेस 6 to 7 minutes के रीड करने हैं क्योंकि लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हमें, और आज वी आर गोना टॉक अबाउट दिस स्ट्रेस, कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप नॉर्मली अपना स्ट्रेस कैसे खत्म करते हैं, व्हाट इज द मेडिसिन, व्हाट इज योर स्ट्रेस रिलीवर, क्या करते हैं आप कि आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस इन टुडेस शो। सो 6 to 7 minutes आप मैसेज करने के लिए, जी KHI स्पेस आपका नाम, आपका टेक्स्ट, जो भी कहना चाहते हैं, दिल की बात, मन की मुराद लिखने के बाद आप सेंड करेंगे 6 to 7 minutes पे, जहां पे हम क्या करेंगे आपके कमेंट रीड करेंगे। सो आई हैव लॉट ऑफ टेक्स्ट्स ऑन 6 to 7 minutes, ये मेरे सामने स्क्रीन भर चुकी है, ये कल तक खत्म नहीं होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट मैं रीड कर सकता हूँ उनको मैं रीड करता हूँ। और बैकग्राउंड में राइट, सो ओके लेट्स प्ले दिस वन, चलो यार ये वाला प्ले कर देते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर। आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग एंड आई एम गोना रीड योर टेक्स्ट मैसेजेस ऑन 6 to 7 minutes, जिसने मैसेज नहीं किया है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी मैसेज कर लो, ठीक है, बाद में बहुत पछताओगे जब मैं चला जाऊँगा, ठीक है। ये वो गिल्ट है जो बाद में फील होते हैं यार कि काश हम भी थोड़ा सा ना इन्जॉय कर लेते। सो ये दो चार चवन्नियाँ बचा के कहाँ लेकर जाओगे, ठीक है, तो इन्जॉय करो। 6 to 7 minutes पे आप टेक्स्ट कर रहे हो, आई हैव लॉट ऑफ टेक्स्ट, रीड मी दैट, लेट मी रीड दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज मी अली, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग यू, हाय अली क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं। अदन कह रहे हैं सर प्लीज प्ले स्वीट बाय साइको, अच्छा सॉन्ग है, प्लीज प्ले कर दे, तुम्हारे कहने पे मैं मान लूंगा, अच्छा है, आई लिसन टू इट फर्स्ट। सादिया कह रही है आई एम लिसनिंग, हाय सादिया। तैयबा कह रही है जिंदगी है, हाय तैयबा जैदी, हे हैंडसम आई मिस यू, आई मिस यू, क्या हो गया, शादी वादी हो गई क्या हो गया भाई, कहाँ है आप तैयबा, ठीक ठाक है। जुहा कह रही यू आर वेरी फनी, माई होल फैमिली इज लॉफिंग वाइल लिसनिंग यू इन द कार, गाड़ी वाड़ी बचा के चलाएं, ठीक है, ऐसा ना हो कि, समझ रहे हैं आप, अच्छा हमारे यहाँ ना लोग बड़े जोश में आ जाते हैं जब रोड खाली मिलता है ना, तो बस समझ रहे हैं आप, तो बड़ा आपने ख्याल करना है, आप हंसते रहें बहुत अच्छी बात है, बट बच बचा के, ठीक है। फरहीन अली कह रही कराची से सलाम अलैकुम, भाई आपका शो ना बहुत अच्छा होता है, बहुत शुक्रिया फरहीन, दैट सो स्वीट ऑफ यू। मुजीब रहमान फ्रॉम बुरेवाला से कह रहे हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, मैरीन से पहली मर्तबा कराची का FM सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार, मेरे नाम मेरे लिए गाना प्ले कर दें। अच्छे जी, थैंक यू सो मच मुजीब, कराची का FM हमेशा से हिट है, और मस्त FM 103 हो तो मैं कहता हूँ फिट है। अच्छा जी, लाइबा कह रही है सुना है आप, सुना है कि सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, हाँ जी खुलने ही हैं, बोर हो गए लोग सारे घर पे, खासतौर पर वो जिनके चक्कर वगैरह चल रहे हैं, बता ना आपको। अच्छा भाई, हसीबुल्ला कह रहे हैं लाहौर से अस्सलाम वालेकुम ब्रो, प्लीज प्ले दिस सॉन्ग, ओके दिस इज समीता एंड इट्स सेकंड टाइम आई एम लिसनिंग योर शो एंड आई मस्ट एडमिट दैट इट्स रियली नाइस शो, थैंक यू सो मच समीता, कि आप जो है वो सुन रहे हो और आपको मजा आ रहा है, दिस इज गुड। देखें तीन दफा जो बंदा तीन दफा सुन ले, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट टाइम आई हैं, आप सेकंड टाइम आएंगी, आप थर्ड टाइम आएंगी, जब तीन दफा मेरा आपसे मतलब मिलन हो गया ना, ये हवाओं पे हमारा ताल्लुक बन गया, तो उसके बाद ना जिंदगी भर का ताल्लुक बन जाता है, ठीक है, पक्का, फिर उसके बाद एक पक्का रिलेशन बन जाता है आपस में, तो ये रिलेशन पक्का कीजिएगा, थर्ड टाइम भी आइएगा इतना बुरा नहीं हूं मैं वैसे। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, भाई इंशाल्लाह आप ठीक हो गए, नहीं मैं कहाँ था पहले, भाई पहली बार सुन रहा हूँ और मैसेज, अच्छा ठीक होंगे लिखना चाह रहा था भाई, बेटा एक जगह पे एक वक्त में एक जगह पे मैसेज करो ना लड़के, आरजे बनना है मुझे, देखो मैंने कल ही बताया आरजे बनने के लिए आपको एक बहुत बड़ा पकाऊ होना जरूरी है, आपके घर में मोहल्ले में हर जगह से आप गुजरें तो आवाज आए पकाऊ पकाऊ पकाऊ, ऐसी वाली आवाजें आ रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत हिट आरजे बनेंगे, ठीक है, घर में पहले तजर्बा शुरू करें, यू नो घर वाले आपसे तंग हो, ठीक है ना, बात करना छोड़ दें आपसे, तो आपके आरजे बनने के ना बड़े लेवल्स होते हैं, आपको स्लोली स्लोली लेवल्स क्रॉस करने हैं।
ठीक है, तो उस लेवल पे आए, बहुत बोलें, इतना बोलें, इतना बोलें कि लोगों के पास सुनने के लिए वक्त ही ना हो आपको, आप एक बहुत हिट आरजे बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये बात कह रही है, इट वॉज अ लवली टू हेयर यू एंड सी यू ऑन यूट्यूब लुकिंग स्टनिंग माशाल्लाह, थैंक यू सो मच तैयबा। बस जी कल मूड बन गया और हम यूट्यूब पे आ गए, और थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों ने कल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने देखा, आई लव्ड इट। फेसबुक पे आप बिल्कुल जी पेज सर्च करेंगे आसिफ मलिक रियाज, ASIFMALIKRIAZ, और प्लीज ओरिजिनल पेज को लाइक कीजिएगा। दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, फेक पेजेस से बचें, जिस तरह कोरोना से बच रहे हैं आजकल, ठीक है, तो बिल्कुल बच बचा के आपने ओरिजिनल पेज पे आना है, जिसका नाम है आसिफ मलिक रियाज, और करीबन 115,000 जिसपे फैंस हैं, जिसपे लाइक्स हैं, उसी पेज को आपने लाइक करना है, इस चीज का ख्याल रखिएगा, वरना नताइज के जिम्मेदार हम तो बिल्कुल नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज मी मंतिशा फ्रॉम कराची। हाय मंतिशा, क्या हाल है, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान आर्मी से जुहेब अली मलीर कैंट से, सर पहले मैसेज कर रहा हूँ, सर आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हम 5 दोस्त आपका शो सुन रहे हैं, सर क्या बात है, आपके अभी जो कॉल आई थी जिसमें 6 लड़कियां एक साथ बैठ के बात कर, बात कर लो, उससे बात कर लो, आप मत कॉल कीजिएगा भाई। 6 लड़कियों से तो फिर भी हो गई थी बात भाई, बस लेकिन खैर आप जी कॉल्स करें, मेरे ख्याल में मुझे कॉल ले लेनी चाहिए, आज मैंने बहुत कम कॉल्स ली है। लेट्स टेक अनदर कॉल एंड लेट्स सी हु वी हैव दिस राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम, ठंडा वालेकुम सलाम, हाँ जी हेलो, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, हवा आ रही है, कुछ नहीं जी, कौन बात कर रही है, आप नहीं बताएंगी, मैं तो पूछूंगा, कौन बात कर रही है, ओए अब वो क्या क्या कहा है मैंने आपको आज, हाँ थक गई तो क्या हो गया, वैसे कौन सा आप क्या काम कर रही हैं आजकल आप हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये क्या हूं खत्म हो गया आपका, क्या चक्कर हुआ, लगता है आपकी सास पास ने खींच के निकाल लिया सारा हूं आपके अंदर से, पहले तो बड़ा हूं करती थी हर बात पे, हाँ क्या कह रही है, अच्छा मैं बात करूंगा तो आप जवाब में हूं करेंगी, भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, आप ना करें हूं, मैं कहता हूं खत्म करें हूं को, ठीक है, इतना कोई बोरिंग लगता है ना आगे से जब कोई हूं बोलता है, और आप कॉल पे सामने सामने बंदे को हूं बोल रही होती है, बंदा फोन खींच के मार दे, मतलब इतना दिल कर रहा होता है बंदे का। तो आप क्या अभी आजकल क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, बताएं जरा, आपका नाम फिर भूल गया हूं मैं, सॉरी, जुनैना, रोहेना, ये तो आपने पहले कभी बताया नहीं मुझे नाम, हैं नाम चेंज कर लिया आपने, अच्छा ठीक है, ओके मे बी, अच्छा मैं भूल गया हूँ, इतनी लड़कियों के नाम होते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं नाम, अच्छा बताएं जरा क्या क्या कहेंगी आप, अच्छा स्ट्रेस लेती हैं आप बहुत ज्यादा, किस चीज की बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो आप, बहुत ज्यादा जो कंट्रोल नहीं होता, अम्मी डांट दे तो, अम्मी कौन सी वाली, सास वाली अम्मी या अपनी वाली अम्मी, तो आपने तो बोला तो मेरी शादी हो गई है, आप एक दफा कॉल पे आई थी, मजाक कर रही थी उस दिन कि मेरी शादी होने वाली है, ये पता नहीं क्या बोला था आपने, ओके ओके हो सकता है ठीक है, सारे ही मुकर जाते हैं बाद में, ठीक है, तो अच्छा जब बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में होते हो तो हाउ डू यू रिलीज योर स्ट्रेस, कैसे कम करते हो उस स्ट्रेस को आप, खाना खा गए मुफ्त का या खुद पका, अच्छा मुफ्ता वैसे बड़ा अच्छा स्ट्रेस रिलीजर है, आपको कोई मिले ना ऐसे दोस्त कभी ना छोड़े जो आपको मुफ्ता खिलाते हो, हाँ जी, तो क्या मुफ्ता, भूख ज्यादा लगती है, ठीक है समझ गया, सही है ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, हाँ जी यू हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज हम बैठे ही आपके लिए जी, बताएं ताकि मैं नो बोलूं, पश्तो सॉन्ग, ये इसकी स्पेलिंग कौन बताएगा मुझे, हैं पताशा, ओए वही वाला पताशा है वो जो मैं लगाता हूं यार, वो गाना तो मैं कहता हूं मैं अभी लगाता हूं, वो गाना मुझे इतना को पसंद है ना, वो जो पताशा है,
वो मैं किसी भी वक्त, आप मुझे रात 5 बजे भी फोन करके बोलो ना गाना लगाना है, मैं उठ के घर से आऊंगा एफएम पे गाना लगा के वापस जाऊंगा। मुझे इतना पसंद है वो गाना, सुलेमान खान का पतासा है ना। किसको डेडिकेट करना चाहोगी? भाग भरी उसका नाम भी भाग भरी नहीं है। ओके सो द कॉल इज डेड। मैंने कुछ नहीं किया सीरियसली, ये भी मैंने गलत कर दिया कुछ, बट खैर आई डिडंट डू एनीथिंग। ये खुद कॉल कटी है ठीक है, इससे पहले कि आप लड़ने आओ वापस। बट या आई लव दिस सॉन्ग। यार ये गाना मुझे वाकई बहुत पसंद है यार, मेरा ना साथ डांस करने को दिल चाहता है। सना कह रही मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को बुरा भला कह के स्ट्रेस दूर करते हैं। एरा कह रही है कि आरजे आपने इस्लामाबाद कब आना है? अभी सिर्फ इस्लामाबाद में मेरा शो आता है, आऊंगा यार जल्दी आऊंगा। मोहम्मद हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन, मैंने आपको बता दिया ना, बस पकाऊ बन जाओ सब हो जाएगा। फातिमा कह रही है कि आप कैसे जवाब के इंतजार में हो, छोटा मैसेज ही लाजमी पढ़ लें अब। हैं आप जवाब के इंतजार में, समझा नहीं मैं फातिमा। और सानिया कह रही जी मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं दुआ कर लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है सानिया, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मिशा कह रही है बहुत अच्छा गाती हूँ मैं, गाती हूँ मैं, सुने सुनाऊ मैं 2-3 गाने। अच्छा जवाद कह रहे हेलो, हाय हेलो, क्या हाल है जवाद? यस मैं साथ हूँ, ब्रेकअप करवाने का काम अच्छा कर रहे हैं आप। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मिशा कह रही है मुलारका गाना चला दें। मुलारका गाना, ये कौन सा, इज इट अ बंगला गाना, मतलब बंगाली गाना है क्या है? अच्छा जी फातिमा कह रही है मैं जब टेंशन होती है तो आपको याद करती हूँ, इसकी तो टेंशन और पड़ जाती होगी। और मैसेज किया है वो भी पढ़ लें प्लीज प्लीज प्लीज, जवाब दे दीजिएगा। 14 साल बाद आज मुझे मौका मिला है। 14 साल बाद मौका मिला है, कहाँ थी, कैद में थी, किधर थी आप? और मैंने कह रही है AMR enjoy, are you enjoying the rainy night? हाँ जी पानी यहीं गिर रहा है स्टूडियो के अंदर, अभी बाहर निकल के करूंगा ना, बताया ना जब मैं शो करने आ रहा था तो मैंने गाड़ी रोकी 2 मिनट एंजॉय किया, फिर मैंने सोचा मैंने कहा शो करने जाऊं या नहीं जाऊं आप लोगों के लिए, मतलब मैं बारिश छोड़ूं या ना छोड़ूं, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चलो यार चला जाता हूँ, यू नो खैर है, देख रहे हैं आप मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं आप लोगों से, मैं बारिश छोड़ गया हूँ आपके लिए। नरमीन कह रही है लव योर शो, बहुत शुक्रिया नरमीन, सो स्वीट ऑफ यू। माहिरा कह रही है आई एम सो स्पेशल बिकॉज मैं मैट्रिक में हूँ और मैट्रिक में हूँ और मेरी आ जाए है, क्या आ जाए आपकी, समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ लड़की। हाँ जिस जो मैट्रिक में अभी जो पास हुआ है ना बिना इम्तिहान के, ये जो नकली इम्तिहान दिए आप लोगों ने, मतलब जिंदगी में क्या बताओगे आप लोगों को कि आपने कैसे मैट्रिक पास किया है यार, ठीक है ना, मैट्रिक एक 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 लेवल है एक मैट्रिक, यू नो खैर जी सानू की। सबा कमर कह रही है, नहीं सबा कमर सॉरी सबा अरकम, ऑन एंड ऑन गाना प्ले कर दें ठीक है जी। किसी ने पूरा उर्दू में मैसेज किया, लेट मी रीड दैट आउट। आसिफ भाई कैसे हैं आप, मैं आपको 1 साल से सुन रही हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। और टॉपिक के हवाले से कहूंगी कि जब भी टेंशन में होती हूँ तो सबसे पहले वजू करके नमाज पढ़ती हूँ, दैट्स सो गुड। सैम कह रहे हैं, पता नहीं कह रही हैं कि आपका शो पहली बार सुना था, इट्स अ वेरी नाइस शो, प्लीज प्ले अ सॉन्ग हमरा। ओके इसरा कह रही है आपकी बात बहुत अच्छी है ब्रो, इंस्टाग्राम पे लाइव आए, जी बिल्कुल मैं इंस्टाग्राम पे भी लाइव आता हूँ। खोला गुलफाम कह रही है आसिफ दुआ करो स्कूल्स खुल जाएं, हाँ जी बिल्कुल स्कूल खुल जाएं, अभी स्कूल वाले भी बड़ी दुआएं कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि भाई फीसों वीसों का बड़ा इशू हुआ है आजकल। अनम कह रही है शो इज अ मूड चेंजर सीरियसली, हाँ जी हम सबको चेंज कर देते हैं, आपको चेंज चाहिए हम आपको 100 का चेंज भी ला के दे देंगे, आप टेंशन ना लें बेफिक्र हैं, आपको सिर्फ इस वक्त हफ्ते एतवार 12 से 2 बस हमारे साथ होना होता है, बाकी आप भाई पे छोड़ दें टेंशन नहीं लें ठीक है। अच्छा जी प्लीज प्ले द सॉन्ग वो जो आपको बहुत पसंद है, मुझे कौन सा गाना पसंद है, मुझे तो हर रोज एक नया गाना पसंद होता है, मेरी चॉइस तो यूं बदल रही होती है गानों में। सज्जल कह रही है भाई जब मुझे टेंशन होती है तो मेरा चांद जैसा भाई मुझे हंसाता है, तो मैं तो सब मस्त थे मनो रेडियो, पता नहीं क्या क्या बोल रही है ठीक है। अच्छा जी सज्जल कह रही है भाई पता है माशाल्लाह 10 बहनों की लाडली, 10 भाइयों की लाडली बहनों, ओ खैर सही है भाई। अच्छा खान कह रही है कि मुझे जब से आपका शो सुनना शुरू किया है टेंशन लेनी छोड़ दी है मैंने, बहुत अच्छी बात है जी। मेरी आपी कहती हैं कि चलो शुक्र है कि तुम आसिफ को सुनती हो वरना तो तुम किसी की नहीं मानती,
अच्छा ये बड़ी बात है कि आप लोग मेरी मान लेते हैं यार, ठीक है ना। और यस जहरा अहमद कह रही कि मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ तो खामोश रहती हूँ, जब दिमाग फटने वाला होता है तो सी साइड चली जाती हूँ या फिर चाचू या फ्रेंड से शेयर कर लेती हूँ। कराची से दुआ बहुत शुक्रिया, इकरा सरफराज बहुत शुक्रिया, शो का टाइम बिल्कुल एंड होने वाला है, सो आई एम वेरी सॉरी, बहुत सारे मैसेज रह गए हैं। उरुसा बहुत शुक्रिया, हाय कैसे हैं आप। लिडिया लिडिया हाय लिडिया, हाउ यू डूइंग, आई थिंक मैंने आपका नाम पढ़ा है कहीं पे लिडिया। इकरा सरफराज लाहौर से हैं आप, बहुत शुक्रिया। सदफ शहजादी आपका बहुत शुक्रिया, युसरा बहुत शुक्रिया, मिशा बहुत शुक्रिया, एमन बहुत शुक्रिया, चौको पता नहीं क्या क्या, सोनिया जट आपका बहुत शुक्रिया, मानूर परवीन बहुत शुक्रिया, मिशा दानिया, उसके बाद जी आमना कराची से, मैं आपका नाम पहली बार पर नाम क्या है नाम नहीं लिखा आपने, काशी बहुत शुक्रिया, हमारे यहाँ भी तेज़ बारिश हो रही है आशा, हाँ जी आशी क्वार्टी, हमने कब बोला आपको कोई, आप टंडोवादा में थोड़ी ना रहती हैं, कराची में रहती हैं यार, क्यों नहीं होगी आपके यहाँ बारिश, इतने भी कोई अमाल ऐसी नहीं है आपके कि बारिश ही ना हो। मुझे पता है आज आपकी कॉल नहीं आ सकती और शो का टाइम खत्म हो गया, तो आई कैन सी एनी थिंग। गुड़िया जोइया कह रही हैं आज फर्स्ट टाइम शो सुन रही हूँ और मैं पंजाबी सॉन्ग सुन के मूड अच्छा कर लेती हूँ, ठीक है। एमन बहुत शुक्रिया, सबा अरकम बिट्टू हाँ जी, शो का टाइमिंग और डे बता दो, क्या पहली दफा सुन रही हो, क्या 2 साल से सुन रही हो, अच्छा जी। साजिद बहुत शुक्रिया, समरीन भाई पहली दफा मैसेज कर रही हूँ, आपकी सॉन्ग चॉइस बहुत अच्छी है, अच्छा जी ठीक है। अरीबा बहुत शुक्रिया, तनवीर बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ना फेसबुक पे बिल्कुल, मैं अब मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा ऑन फेसबुक, सो लेट मी चेक कि फेसबुक पे कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है, और आज मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं दे सका टू फेसबुक, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यस आई एम ट्राइंग कि मैं अभी जो 5 मिनट है वो मैं फेसबुक को दे दूँ, राइट, बिकॉज 3 मिनट रह गए शो एंड करना है, यू नो। और फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके मुझे पढ़ने हैं मैसेजेस, ओके सो लेट मी सर्च आउट माय पेज, आज मैंने सिस्टम से लॉगिन किया हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं मैं पत्थर के दौर में चला गया हूँ, ठीक है। ये इतना नया नया क्यों लग रहा है यार मम्मी। अच्छा जी, सो आई एम गोना डू राइट, सो आप सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे आसिफ मलिक रियाज, बिल्कुल जी, और करीबन 1,15,000 जिस पेज पे लाइक है उसी पेज को लाइक कीजिएगा। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हर रोज जब मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, कलम ने सर्च किया तो कुछ 15 मेरे फेक आईडीज आ गई थी, एंड आई वाज शॉक्ड यार इतने फारिग कौन लोग हैं, तो बट खैर फारिग फारिग होते हैं। अभी मैं कॉमेंट्स रीड कर रहा हूँ और 500+ कॉमेंट्स आ चुके हैं जो कि मुझे अभी रीड करने हैं पर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सिर्फ जो हूँ वो अभी रिसेंट जो कॉमेंट्स हैं वो रीड कर लेता हूँ। किरण आबिद भाई, भाई ये कौन है? है कौन है कौन, अच्छा हुमा करती हूँ ये कौन है, वो अपना ना ये कोई और हूँ है, मुझे लग रहा था वो हुमा थी, ये वो दूसरी थी, ये कोई दूसरी है, इसको हम भूल गए। संबित समीर बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं कि शादी करके स्ट्रेस कम करेंगे, भाई बहुत किसी ने ना गलत गाइड किया हुआ है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ शादी बिल्कुल मत करना यारो, और स्ट्रेस कम करना है तो दूर भागो शादी से, ठीक है ना। बस अनुषा खान कह रही है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, हम गुड अल्हम्दुलिल्लाह अनुषा। असद कैसे हो आप, ठीक ठाक हो। हसन रिजवी फेसबुक पे आ जाए, हसन आज इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लाइव करते हैं, ठीक है, और यू विल हैव टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर टुनाइट्स लाइव सेशन। मिशी खान करी, मैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, मेरी साइलेंट लिसनर हूँ, अच्छा मैं साइलेंट लिसनर हूँ, आपको शो बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से सुनना छोड़ दिया, लास्ट वीक से दोबारा ज्वाइन किया है, प्रॉब्लम नहीं, आप क्या मतलब पड़ोसियों ने मतलब कोई अटैक कर दिया था आपके घर पे, किस घर से आसिफ मलिक की आवाज़ आती है, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था। हसन कह रहे हैं भाई ये हूँ वाली बंदी वो हुमा नहीं है, ये कोई और थी, है ना, ये कोई और थी यार, मैं हुमा समझा इसको। फरहीन कह रही है कि मजे का शो यार, जब भी परेशान होती हूँ तो मामा या दोस्त से शेयर कर लेती हूँ और अपने लिए दुआ कर लेती हूँ, ओके। मोहम्मद साजिद सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम, कह रहे हैं सर ऑफिस की लोकेशन बता दें, लोकेशन बता दूँ क्यों भाई, किडनैप करोगे क्या। फाखरा करी जजाकल्ला, बारिश छोड़ के आए आप हमारे लिए, देखें जी मैं इतनी कोई, मैं कहता हूँ इतनी मोहब्बत जो है ना, मैं मुझे नहीं लगता मैंने किसी से की होगी कि मैंने बारिश किसी के लिए छोड़ी हो, लेकिन मैं बड़े सख्त दिल के साथ मैंने कहा कि यार आज छोड़ दो यार, ठीक है आप लोगों के लिए, ओके। सो महनूर नवाब साहिबा कैसी हैं आप, भाई नवाब जादी आपने तो
कॉल करना छोड़ दिया यार, मतलब आप क्या, अब्बा ने एक दफा छापा क्या हमारा कॉल पे, आप तो बिल्कुल डर गई हैं, मतलब खैर है क्या, आप पढ़ते रहते हैं छापे यार। शुएब शेख साहब बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जबरदस्त बारिश जारी है सखर के अंदर, सखर से मैसेज है, बहुत शुक्रिया सर सखर से आपने याद किया, इट्स अमेजिंग टू हैव यू। अफिया बेग कह रहे हैं बारिश हो रही है बहुत अच्छी बात, अच्छा जी अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ। बंदा यहाँ बैठ के शो कर रहा है उसको बारिश बारिश कर रहे हो तुम लोग यार, मैं अभी भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, देखो एक मिनट ऊपर हो गया है। अच्छा जी उसके बाद ये तो भाई लोड ही हुआ जा रहा है, तो मासूम मासूम ठीक है, शीजा बहुत शुक्रिया, कह रही शुक्रिया आप आ तो गए। हाँ जी मैंने कहा था कि इस वीक मैं शोज करूंगा तो मैं आया हूँ, ठीक है। मूना कह रही आज की प्लेलिस्ट बहुत मजे की थी, ठीक है। रूज कह रही है कि कुछ याद आया है, कुछ याद आया मतलब अच्छा जी उसके बाद ये कौन है यार, ये इतनी मतलब इट्स वेरी इजी टू रीड मैसेजेस फ्रॉम मोबाइल यहाँ के बजाय। अच्छा जी तबस्सुम आंटी, आंटी कह रही एक गाना तीन बार, क्यों आंटी मेरी मर्जी, मेरा मतलब मेरा शो मेरी मर्जी, आंटी आपको कोई मसला है, हैं आप जो मोहल्ले में जाके आग लगाती हो पड़ोस में, मतलब मैंने कभी बोला कि घर में तीन दफा आग लगा दी आपने यार, आप भी मतलब आप तो शो नहीं सुन रही थी मेरा यार, आप तो मतलब सुना नाराज है आप, हैं इधर आप आ गई हैं बताने मुझे कि गाना रिपीट हो गया दो दफा। अच्छा जी वफा शेख कह रही है कहाँ चले गए आप, नहीं जी मैं यही था, मैं बस एक दो लोगों से बात कर रहा था, मैं यही हूँ, मैं कहीं जा सकता हूँ आप बताएं। सदफ फरमान हाय सदफ थैंक यू सो मच फॉर योर टेक्स्ट, शाहिदा नूर आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर टेक्स्ट, वर्दा नीम कह रही सेकंड टाइम सुन रही हूँ शो, कल फर्स्ट टाइम सुना था भाई बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत शुक्रिया, फ्री में जितने मजे मिल रहे हैं ले लो ठीक है। किसी ने बुराई की ना बस, अच्छा जी उसके बाद ठीक है जी मेघन भैया मैंने बहुत फेसबुक, ये तो भाई ये तो सुबह हो जाएगी मुझे, आई वॉन्ट बी एबल टू रीड दीज मैसेजेस नाउ एटलीस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर, बिकॉज इंस्टा मेरे पास लॉग इन नहीं है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कुछ इंस्टाग्राम की टैब आती है फेसबुक के ऊपर भी, इफ आई कैन चेक मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम फ्रॉम हियर देन आई एम गोइंग टू डू दैट, बट आई थिंक कि यहाँ से नहीं हो पाएगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं इंस्टाग्राम पे अभी लाइव आता हूँ फिर मैं आपके सारे मैसेजेस रीड कर लूंगा, आई विल गिव यू टाइम, मेरे ख्याल में अगला शो नहीं हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं अभी यहाँ से शो वाइंड अप कर रहा हूँ ठीक है, और मैं फिर आपसे फिर वो करता हूँ ठीक है ना, फिर मैं आपको इंस्टाग्राम पे आके मिलता हूँ, इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो, ओके ये कह रहे हैं आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट करो यहाँ पे ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में वो आइडिया बुरा है क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूला हुआ है सीधी बात है, तो ये बात है। ऑलराइट सो क्या करना है यार, सही पश्तो माहौल बन गया था जाते जाते, और मैं ना वही वाला गाना लगाऊंगा जो उससे पहले मैंने लगाया हुआ था, कौन सा था यार, आज का इंग्लिश म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, आई लव टुडेज रीमिक्सेस बिकॉज आई प्ले मोर दोज रीमिक्सेस, यू नो आई लव दैट, बहुत मजा आता है यार प्ले करके। हाँ ये वाला गाना भाई इसी पे एंड करेंगे शो का, ठीक है भाई इसी माहौल के साथ। सो कराची लाहौर इस्लामाबाद फैसलाबाद मुल्तान नाचीज खाक सार को बिल्कुल दीजिए इजाजत, अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी हफ्ता एतवार, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए, ख्याल रखें तमाम दिलों का, तमाम चाहने वालों का, तमाम अपनों का जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और किसी भी हाल में आपको तनहा नहीं छोड़ते जिस तरह मेरी तरह, देखिए मैं आपको कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा ऐसे चिपक के रहूंगा, सेम इसी तरह मस्त एफएम 103 आपको कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। सो ये वो चीज़ें हैं और हर उस शख्स हर उस चीज़ के साथ जुड़े रहें जो कहीं ना कहीं इवन 1% भी आपको स्ट्रेस से अगर दूर होने में, स्ट्रेस ख़त्म करने में मदद देती है तो बिल्कुल जी उसको आप सबसे पहले तो कोशिश करें स्ट्रेस के ऊपर अपने ऊपर हावी ना होने दें, दिस इज व्हाट यू कैन डू, और अपने माइंड को इस हवाले से यू नो इसके ऊपर मैं एक सेशन करूंगा स्पेशल, एक शो करूंगा हाउ टू यू नो कवर ऑल दिस मेंटल स्ट्रेस, कैसे आप कवर कर सकते हैं, तो वो सीरियस टॉक्स के अंदर हम थोड़ा सा एक कॉमेंट उसको एक रखेंगे सेशन को, जिसमें हंसी मजा नहीं होगा और थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे आपने खुद को बचाना होता है स्ट्रेस से, वो कहते हैं ना स्ट्रेस लेने का नहीं है स्ट्रेस देने का, तो स्ट्रेस लेने का भी नहीं स्ट्रेस देने का भी नहीं, स्ट्रेस से दूर रहने का ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, सो मेरी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी हफ्ते की रात 12 से 2 इतवार की रात 12 से 2 ठीक टाइम पे जी आपने यहाँ पे हाजिर होना है, चाहे आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है यहाँ पे होना बहुत जरूरी है।
यार ये गाना बहुत मजे का है यार। ला 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 ला। मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं गाऊं, लेकिन मुझे पश्तो नहीं आती। अच्छा जी मैं चलता हूँ, फेसबुक पे ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं लाइव सेशन करने वाला हूँ, आप इंस्टाग्राम पे आ जाएं, ठीक 5-10 मिनट के बाद मैं इंस्टाग्राम पे होऊंगा, सर्च करें आप @ आसिफ मलिक रियाज, ASIFMALIKRIAZ, और YouTube पे होना बहुत लाजमी है जी। YouTube के ऊपर बहुत सारा कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ, जैसे आपको बताया था कि YouTube पे हमारा चैनल रेडी हो रहा है और उस पर बहुत सारी मजे की चीजें अपलोड होने वाली हैं कि मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता। I'll let you know very soon. But yes, you have to join me on YouTube as well. Search me on YouTube. That is Asif Malik Riaz. ASIFMALIKRIAZ. चलता हूँ जी। I love you all. I seriously love you all. वो जो एक बंदा 10 को बोलता है वो वाला नहीं, वो जो सिर्फ आपको बोलना होता है। I seriously love you all. So चलता हूँ जी। और ये गाना भी मैं ना दोबारा लगा रहा हूँ, ये जाते जाते भी यही गाना सुनेंगे हम लोग। मौसम एंजॉय करें एंड हैव अ वेरी लवली नाइट अहेड। मिस कीजिएगा ये हमारे रात। बहुत मजे का गाना है यार ये वाला। मैं वही मुझे यहीं पकड़ा दो, मैं एंड करता हूँ सामने सामने बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा ओपन करें, ओपन करके मुझे हाँ जी इसको इसको वो करें ना यहाँ से मेरे ख्याल में अब हाँ थोड़ा सा उसको रहने दो म्यूजिक को, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यस ओए होए इधर देख कौन सा बम फटा हुआ है, बारिश है, कौन है नहीं आ गया क्या, अच्छा ऑलराइट गाइस हाय थैंक यू सो मच, आई डोंट नो कि आपको कहाँ से मेरी वीडियो यहाँ पे सही नजर आएगी, बट लेट मी जस्ट ट्राई। और हाय फातिमा थैंक यू सो मच फॉर योर यू नो फॉर योर मैसेजेस। राविया जावेद, राविया सीरियसली ना मेरा मूड हो रहा है क्या ना, मैं ना इस पर डांस कर रहा हूँ। यार बहुत मजे का म्यूजिक है ये वाला। हाँ जी राविया बिल्कुल आपकी बारी आ गई फाइनली, बिकॉज आई हैड टू वाइंड द शो। और मेरे ना लिसनर ऐसे, मेरी एक्चुअली मसला ये है कि मैं जो हूँ वो बोलना बंद नहीं करता, आई डोंट प्ले मच सॉन्ग्स, तो आज उनको फील हो गया कि मैंने एक गाने को 2-3 दफ़ा क्यों चला दिया, या यू नो वाई आई वॉज प्लेइंग मोर सॉन्ग्स, बट या यू नो चलो यार ये गाना चलने देते हैं। सो उनको आज फील हो गया था, बट एनीवेज कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट, सो ये बात है। मुझे लग रहा है कि ये लाइट तंग कर रही है मुझे। अच्छी जी है ना दीपा, लूटी डालने का दिल कर रहा है, देखो मैं एक और सुनाता हूँ। पश्तो म्यूजिक इज अमेजिंग, समझ नहीं आता पर अच्छा लगता है। हाँ भाई कौन कौन डांस कर रहा है मेरे साथ,
हाँ यहाँ पे आज यहाँ पे पश्तो माहौल ही रहने वाला है, ठीक है। अरे भाई यहाँ पे कोई है पठान है अभी गजाला मुश्ताक कैसी हैं आप गजाला? मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा जो है वॉल्यूम कम कर देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे दे, और आई थिंक अब आप मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे, आई थिंक सो। सो फातिमा, या सीरियसली आई एम करेंटली इन द मूड टू डांस, मेरा वाकई दिल चाह रहा है कि मैं कर लूँ। अच्छा जी, दीना अदीबा कह रही है सुंबल सोले भूल गई हमारा लेट नाइट लाइव शो, मैं मी एंड यू ऑफ हमारी सुरीली आवाज़ें। अच्छा जी, अच्छा लड़कियों को लगता है उनकी आवाज़ ना ओके ठीक है। फातिमा कह रही है कि वॉल्यूम सही है, ठीक है। अदीबा कह रही है यार आवाज़ ओके आप कम कम आती है, ठीक है। क्या फ़ायदा आपका पश्तो होने का अगर आपको कम कम आती है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यू गाइस कैन रिक्वेस्ट अ सॉन्ग राइट नाउ, कोई मुझे अच्छा सा गाना बताएं जो मैं लगाऊं यहाँ पे अभी, कोई भी अच्छा सा गाना जो जो आप सुनना चाहते हो, जस्ट टेल मी एनी वन सॉन्ग, एनी वन गुड सॉन्ग राइट अवे। सुंबल सोले कह रही है यार आपकी आवाज़ इतनी प्यारी क्यों है, अल्लाह ताला की देन आपका उसने समात, बस ये कह सकता हूँ आई डोंट नो कि मेरी आवाज़ कितनी बार कितनी प्यारी है। मैं पहले बिहार सुना कर पहले बिहार सुना करती थी, मतलब बिहार क्या मतलब बिहार में जाके। अच्छा जी ओके, देन वी हैव भाई गाना बता दें कौन सा गाना मैं प्ले करूं, मुझे यहाँ पे जो है आई विल हैव टू प्ले अ सॉन्ग, लेट्स सो बैक टू बैक पश्तो गाने लगे जा रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या प्ले हो रहा है पीछे, ठीक है। राविया बता दो कौन सा गाना लगाना है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। सारा फैसल कह रही है कि दो आई कैन लिसन ऑन सावन ऐप, हाँ ये बात तो है वैसे, और ओ सनमा, ऑल राइट ओ सनमा, ठीक है ये मैं लगा देता हूँ। और फातिमा बहुत शुक्रिया कि आपको आवाज़ अच्छी लग रही है, तो क्या बोलूँ यार, हमें तारीफें करवा रहे हो मुझसे अपनी मेरी। अच्छा जैनब जिशान कह रही है चैनल जी दिस इज मस्त एफएम 103 और ये मस्त एफएम 103 है, मैं आपको लोगो भी दिखा देता हूँ, दिस इज मस्त एफएम 103 और वी जस्ट रॉक, वीकेंड के ऊपर हम शोज करते हैं, बट यस यू नो वो मेरे बाल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है यहीं पे ना मुझे अभी कुछ दो चार आ जाएंगे लोग टिप्स देने के लिए, मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्यूटीज वगैरह नहीं, ब्यूटीज में लड़कियों को नहीं कह रहा मतलब वो ब्यूटी टिप्स वगैरह वो चल रहा होता। अच्छा जी पश्तो नहीं आती है, ठीक है कोई बात नहीं। खुद कुछ धमाका लगा दें, ये कौन सा गाना है आपने गाया है, मुझे तो नहीं पता इस गाने का। हाँ मुझे वाकई नहीं पता आप किस गाने की बात कह रही हैं, खुद कुछ धमाका आप मेरे बालों को तो नहीं कह रही, ये जो हुआ है ये वाला, ये वो पता नहीं क्यों हो गया है, हेडसेट लगा के शायद, आप लोग मुझे क्यूरियस कर रहे हो यार। स्प्रे करवा लें वरना एक और तरीका है बता दें जी, वो सारे तरीके आप लोग बता दें, यहाँ पे मुझे कुछ भी टिप्स मिल सकते हैं पता है मुझे। और तुम चले आओ बहारों की कसम प्ले करें, देखो मेरी बात सुनो, अच्छा खैर अब तो मेरा शो खत्म हो गया। राविया कह रही है चिड़िया का
हाँ चिड़िया का घोंसला सही है। निमकाश कह रही है ब्यूटीज तो हम हैं, मेरे मुंह से निकल गया, मैं कहना कुछ और चाह रहा था बट खैर एनीवेज यस आप लोग ब्यूटीज हैं, वो अलग बात है कि जब यू नो आधे आधे। मैं आपको एक सच्चा वाक्य बताता हूँ, बिल्कुल सच्चा वाक्य, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे हम एक दफ़ा शूट कर रहे थे और शूट के ऊपर जो है वो हमारी न्यूज़ एंकर भी साथ थी, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, तो हम लोग जो हैं वो एक कोने के ऊपर ना वेट मशीन पड़ी हुई होती है, रखी भी थी वहाँ पे वेट मशीन वगैरह, जिम वाली नहीं लेकिन एक कॉरिडोर में किसी ने रखी हुई थी, आई डोंट नो उसका पर्पस क्या था बट एम ही शायद एंगेजमेंट के लिए। सो व्हाट हैपेंड कि मैंने वज़न किया, ठीक है मेरी जो दोस्त थी उन्होंने वज़न किया, तो उनके वज़न में फॉर एग्जांपल उनका वज़न आया फॉर एग्जांपल 52.5 समथिंग राइट। उसके बाद फिर हम गए, शी वॉश्ड हर मेकअप एंड ऑल, ठीक है फिर हम वापस आए, ये एक ही घंटे की बात है, ठीक है हम वापस आए, मैंने कहा चलो दोबारा चेक कर लेते हैं दोबारा और दोबारा चेक किया तो उसका वज़न आधा किलो कम हो चुका था। लिटरली मैं सच बात बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं बता रहा, मैं सच बता रहा हूँ कि उसका सिर्फ मेकअप रिमूव करने से आधा किलो जो है वो वजन कम हो गया था, पता नहीं वो इसी ग्रुप के अंदर ही ना हो बट एनीवेज फिलर वाली ब्यूटीज़, हाँ आई डोंट नो, तो बहुत सारी ब्यूटीज़ की भी ना बड़ी बड़ी टाइप होती हैं, एक होती है सस्ती किट वाली ब्यूटी, एक होती है महंगी किट वाली ब्यूटी, एक होती है नेचुरल ब्यूटी। अच्छा मुझे नेचुरल ब्यूटी आज तक समझ नहीं आई कि मतलब इतना सारा मेकअप किया हुआ होता है फिर भी उसको जीरो मेकअप लुक कहते हैं और पता नहीं क्या क्या, आई एम नॉट इन टू दिस स्टफ़, अभी शादी वादी भी नहीं हुई हुई तो ज़्यादा पता नहीं मेकअप शेकअप का, बट स्टिल चैनल्स वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, सो आई हैव नो आइडिया। तो अदीबा करीब बॉयज की हिम्मत होती है बिस्ती भी हो हंस के टाल देते हैं, कोई लड़की होती तो चिपक जाती। देखें हम होते हैं बहुत ज़्यादा समझदार, ठीक है हम लोग, हमें पता होता है काम ने चिपकना होता है, काम ने समझ रहे ना आप, बस काम ने निकलना होता है बच के, तो वी आर वेरी स्मार्ट इन दीज मैटर्स। और वैसे भी जब अकेला बंदा इतनी सारी खवातीन में होगा तो वो तो बोलेगा जी बस ठीक है, आप जो आप कह रही हैं बिल्कुल जी सही कह रही हैं आप, हमारी क्या मजाल के हम कुछ बोल सकते हैं। यार यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट लगाएं, कुछ लगाओ यार यहाँ पे, वरना ये कुछ और ही चल जाएगा मुझे लग रहा है। बैक टू बैक पश्तो ही चला रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मुझे वाकई आइडिया नहीं। आ जा ना, आ जा भाई आ जा, तुम क्या पर्दा कर रहे हो तुम सबसे यहाँ से, हैं तुम्हें पर्दा है सबसे। अच्छा ओके हाँ मेकअप धुलवा के नेचुरल ब्यूटी, अपने ही बच्चे डर जाते हैं। फातिमा कह रही होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हाँ जी बिल्कुल होती रहती हैं, सही कह रही हैं आप, मेरे साथ ही हो रही हैं फिलहाल। तो मायदा बलोच जीरो मेकअप का भी, अच्छा मायदा मैं आपका मजाक, अगर आप अपने पे ना लें तो मैं आपको आपके MAIDA से मुझे एक बात याद आई, अभी हम मेरे ख्याल में दो दिन पहले इम्तियाज़ गए थे, मैं और मेरे साथ एक मैरिड दोस्त था, तो उसकी बीवी ने ना उसको लिस्ट दी हुई थी कि भाई तुमने ये सामान लेकर आना है। सो अब हम खड़े हैं इम्तियाज़ में सेकंड फ्लोर के ऊपर, ये जो DHA वाला इम्तियाज़ है, तो वहाँ पे अब हमें ना मैदा नहीं मिल रहा था, मतलब मैं आपके नाम से, इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके नाम से, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, स्पेलिंग सेम है ना, तो अब मुझे कहता है यार भाई बात सुन, मैंने कहा कहता है यार मैदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने कहा मैदे को इंग्लिश में मुझे भी नहीं पता, वाकई नहीं पता था कि मैदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो आई सेड कि मुझे वाकई नहीं पता, सो उसको लगा कि शायद नाम यू नो इंग्लिश में लिखा हुआ होगा तो इस वजह से हमें मिल नहीं रहा मैदा, हमें बाकी सारी चीज़ें मिल रही थी। तो बाद में जो है वो हमने उस शख्स से जाके पूछा कि भाई मैदा कहाँ था, वो कॉर्नर पर जाके पढ़ा तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा मैदा ही लिखा हुआ था, मतलब पूरी इंग्लिश थी और मैदे की जगह पे उर्दू में मैदा ही था, तो मुझे वो बात याद आ गई कि हर चीज़ इंग्लिश में नहीं होती है। बट मायदा बहुत शुक्रिया, कह रही है कि ज़ीरो मेकअप का भी पता है, और कह रहे हैं यार ये मेरे ना शोज़ में बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, 90% जो फैन फॉलोइंग है सारी फीमेल है, तो बहुत सारी चीज़ें ना मुझे यहाँ पे पता चल गई हैं शोज़ कर करके, और वरना पहले मैं बड़ा मासूम हुआ करता था, मासूम तो खैर अभी भी बहुत हूँ। क्या कह रही है,
यू रिजेंबल विद आमिर लियाकत, या है कोई मतलब ब्लॉक का ऑप्शन, या मैं खुद अगर अपने आप को ब्लॉक करना चाहूँ यहाँ पे इस बात पे तो मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को ब्लॉक यार आमिर भाई माय टीचर, वो बुरी बात होती है। मैदा ना बोल देना। नहीं जी मैं आपको मैदा नहीं बोल रहा। देखिए मैं इनडायरेक्टली मैंने आपको बात कन्वे कर दी है, ठीक है, अब आगे आप कुछ समझदार हैं। ओके जी फ्लोर बोलते हैं, नहीं मैदा, फ्लोर तो आटे को बोलते हैं, मैदे को क्या बोलते होंगे, आई थिंक मैदे को कुछ और बोलते हैं, मैदे को स्टोर नहीं बोलते, सॉरी फ्लोर नहीं बोलते, आई थिंक इट हैज़ अ डिफरेंट नेम, बट हमें उस वक्त हम उसको सोचते रहे, उस वक्त सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, वरना इंटरनेट पे चेक करते। तो बॉयज़ जब शॉपिंग पे जाते हैं ना तो यकीन करें हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं, वो अलग बात है, आधे घंटे में फ्री हो गए थे, खवातीन होती तो पता नहीं 7 बजे इम्तियाज़ बंद होता है, 9 बजे भी वो बेड लगा के बाहर सो रहे होते वो लोग, कभी आप शॉपिंग करके निकलें तो हम बंद करें। ओके ओके अच्छा जी ऑल पर्पस फ्लोर, ओके ये लिखा हुआ था उसके ऊपर उस मैदे वाले पैकेट के ऊपर, मुझे नहीं पता किस ब्रांड का था, बट उसके ऊपर ना ये ऑल पर्पस फ्लोर लिखा हुआ था नीचे एंड पे, लेकिन हमें लगा कि बस ऊपर तो मैदा ही है ना, तुमने कहा उर्दू में लिखा हुआ होगा इन्होंने। चलें जी बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने गूगल कर लिया, आपने पूरा ना यहाँ पे आके इंप्रेशन वही झाड़ा है, वो क्लास में सबसे पहले बच्चा नहीं सबसे पहले हाथ खड़ा करता कि जी मुझे सब आता है, तो मुझे लग रहा है आपने इंप्रेशन अपनी तरफ से पूरी झाड़ी है, लेकिन देखा आपने गूगल ही है, ऑल बिल्कुल एग्जैक्ट वही निकाल के लाई है जो उस पर लिखा हुआ था। अच्छा जी सारा फैसल ने भी गूगल कर लिया है जी, माशाल्लाह गूगल पे गूगल चल रहा है इस वक्त यहाँ पे, और या जी हमने भी बहुत किया है ये बहुत ज़्यादा, सो ट्रस्ट मी। अच्छा क्या यार, हाँ इंस्टा पे भी लोग वेट कर रहे होंगे यार, इंस्टा पे भी चलना है, ठीक है, आई थिंक हमने काफ़ी जो है वो कर लिया, और ये सेशन हम मज़ीद करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और ओके देख लें मेरी लड़कियां कितनी फास्ट हैं, हाँ जी फास्ट क्या मतलब फास्ट हैं, ये जैसे घर से इन्होंने दुपट्टा पहना होगा भाग के गूगल के दफ्तर गई होंगी, भाग के वापस आई होंगी, फास्ट क्या होता है उसमें, यह गूगल पे 2-4 टिकटॉक किया आपने और चीज़ें निकाल लेती हैं। अच्छा ना लड़कियों की एक और बात होती है, लड़कियों के पास सारा मवाद पहले से होता है, मवाद मतलब कि फॉर एग्जांपल हर टॉपिक के ऊपर ना इन्होंने चीज़ें अपने फ़ोन में सेव की भी होती हैं, ब्रेकअप होने वाला अभी हुआ नहीं है ब्रेकअप, अभी तो नया नया रिलेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन रिलेशन स्टार्ट होते ही पहले से ही सारा जो है वो पिक्चर्स, ब्रेकअप वाली पिक्चर्स, सैड पोस्ट्स, यू नो हो सकता है कि कल को इंटरनेट बंद ना हो जाए टाइम पे जब लगानी हो, तो पहले से ही सारा का सारा डाटा उन्होंने सेव किया हुआ होता है, ठीक है, रोमांटिक पोस्ट्स भी होंगी साथ साथ, ब्रेकअप पोस्ट्स भी होंगी, किसी को ताने देने हो, यू नो हर तरह की पोस्ट, अभी जो है ना डेट ऑफ बर्थ किसी की पता भी नहीं है जिससे बात होना स्टार्ट हुई, अभी से उसकी बर्थडे की सारी पोस्ट बना के रख, मतलब गर्ल्स आर सो फास्ट इन दीज मैटर्स, पहले से उन्होंने सब कुछ किया हुआ होता है, और यू नो सो इस चीज़ में मैं क्रेडिट दूंगा गर्ल्स को कि यस दे हैव दिस क्रेडिट। अच्छा निमकश, यानी निमकश कैसा नाम है मेरे माइंड में पता नहीं क्या आ रहा है, चले मैं नहीं बोलता, आपको खुद ही याद आ गया होगा, और अदीबा कह रही मैं वो बच्ची हूँ जो सबसे एंड में हाथ खड़ा करती हूँ, हाँ और मैं मेरे साथ इतना मैं यही करता था क्लास में ना, मैं सबसे एंड पे हाथ खड़ा करता, तो मेरी एक टीचर थी उनको पता था मुझे कुछ नहीं आता, केमिस्ट्री की टीचर मेरी, वो इंतज़ार कर रही होती थी, अब उनके सामने ना फॉर एग्जाम्पल 40 लोग बैठे, 40 मतलब बच्चे बैठे, 40 बच्चों के अंदर 18-20 ने हाथ खड़े कर लिए, यकीन करें वो उन मजाले किसी को बोलती थी कि आप बता दे, वो वेट कर रही होती थी, शी यूज टू वेट फॉर मी कि कब आसिफ साहब अपना हाथ खड़े, ये मैं बच बचा के चलो यार काफ़ी सारे क्लास फेलोज ने हाथ खड़े कर दिए तो मैं ना हाथ अपना खड़ा कर देता था, जी आसिफ बताएंगे, तो ये मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है सीरियसली, एंड पे हाथ खड़े करने वाला टोटका भी मेरे साथ तो नहीं चला। राविया कह रही हैं लड़कियां किचन क्वीन होती हैं, हाँ जी बिल्कुल किचन क्वीन होती हैं, और एक दफ़ा अगर कोई इनकी सल्तनत में आके कोई जसारत कर दे ये बोलने की कि यार आज नमक ज़्यादा है आज मिर्च ज़्यादा है,
तो बस उसके बाद आपको पता है जी क्वीन से कैसे वो यू नो एक वो बीस्टी वाला एक टच निकलता है, घर में क्या माहौल होता है, चार दिन तक यू नो किचन नहीं जाती ना पूछें। मेरे घर में भी दो बहनें हैं तो पूरे घर मतलब यही चल रहा होता है दिन रात। अच्छा सो दैट वाज लवली टू नो यू गाइस, आई मीन अच्छा लगा मुझे आप लोगों को जान के। इंशाल्लाह ताला विल कीप ऑन डूइंग दिस लाइव सेशंस। आज फर्स्ट डे था और आज हमने सोचा कि अब कह दिया है तो लेट्स जस्ट डू इट, और बस मैं आ गया। सो इट वाज नॉट प्रिपेयर्ड, हमने कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, तो इट वाज लाइक अ हाई हेलो सेशन कि एटलीस्ट विल गेट टू नो ईच अदर। और या लाइक इट वाज अमेजिंग। तो फातिमा फैसल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर इन्विटेशन। आई सीरियसली लव दैट एंड यू गाइज आर अमेजिंग, ट्रस्ट मी। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला आपके इसी तरह मेंबर्स बढ़ते रहेंगे, इसी तरह जो ना आप लोग घेर वेर के लाते रहोगे, मेरा मतलब है कि उनको इन्वाइट करते रहोगे। कभी क्यों ना मेरे मुंह से इस तरह के लफ्ज़ निकल जाते हैं, तो या खैर मजाक चलता रहता है। सो गाइज थैंक यू सो मच, दिस वॉज अमेजिंग बींग हियर। आई हैव टू डू अ इंस्टाग्राम सेशन, मुझे वो करना होगा, तो उसके लिए मुझे माजरत बिकॉज फैंस आर वेटिंग, तो मुझे वो करना है, कह दिया है वो भी। और इंशाल्लाह वेरी सून वी गोना मीट अगेन, वरना फिर नेक्स्ट वीक तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सो मुझे नहीं पता इस ग्रुप में क्या चलता है, कौन क्या है, कौन या कौन किस तरह का रोल प्ले करता है, बट थैंक यू सो मच, सीरियसली आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि आप लोगों ने जो है इस मासूम खाकसार को जगह दी अपने दरमियान, एंड इट्स अमेजिंग, ट्रूली यू गाइज आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच फातिमा, अदीबा, जो भी अब तक है हमारे साथ, राविया, सारा, यू गाइज आर अमेजिंग। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा कि हमारे लिए। ओए मायदा भी है, ओके बाय मायदा, मायदा बाय।